सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिस्पैन माउस का रिव्यू। तो गाइज, अगर आप लंबे टाइम तक अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे वर्क करते हो, फिर किसी चीज़ पे जो आपको माउस की जिसमें ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लो यार ऑब्वियसली आपके हाथों में पेन हो जाता होगा। तो भाई इसीलिए मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ कि इस पेन माउस को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फिर आप खरीदना चाह रहे हो तो आपको क्या खरीदना चाहिए, मतलब या नहीं खरीदना चाहिए, इसके कुछ गुड पॉइंट है, कुछ बैड पॉइंट है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले यार इसमें मेरे पास एक बॉक्स था इसका, यार मैंने काफ़ी लॉकडाउन से पहले लिया था, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब होने के कारण मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 दिन हुए मैं इसको यूज़ करते हुए, लेकिन मेरे को इसके साथ बॉक्स भी मिला था, लेकिन वो कहीं पता नहीं कहाँ रख दिया भाई ने। तो भाई इसके साथ एक स्टैंड मिलता है इसका, जिस ताकि ये खड़ा करने के लिए, जो आप देख सकते हो मैं इस पर ऑब्वियसली इसलिए रख पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये देख सकते हो ये उठ रहा है इसी के साथ। अगर आप कुछ थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से रख देते हो तो इसमें उठ जाता है। सबसे बेस्ट रहेगा आप यहाँ थोड़ा सा टेप लगा दीजिए ताकि ये उठ नहीं पाएगा जहाँ पर आपको फिक्स करना है। तो ये इसके साथ ये मिला था और कुछ नहीं मिला था मुझे इसके साथ। तो और ये सेल से चलता है। और इसकी बात अगर मैं करूँ, अगर पॉइंट की, गुड पॉइंट की बात करूँ, तो भाई ये इजीली आपके हाथों में, जो आप इस तरह देख सकते हो, फिट हो जाता है। और इसमें आपको ऐसा ये यूज़ करना पड़ता है जैसे नॉर्मली माउस यू आप घुमाते हो वैसे घुमाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए इजी हो जाता है पकड़ने के लिए। देख सकते हो मेरे हाथ में किस तरह से ये आ रहा है। और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो बहुत ही छोटा सा है, तो अच्छा है। लेकिन ये आप देख सकते हो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी मेरा इसका वो नहीं है, मेरे पास वायरलेस वाला है, वो मैंने अभी नीचे का लैपटॉप लगा रखा है अभी। तो आप देख सकते हो ऑन होने के बाद इस पर जो है लाइट जलेगी और ऑफ होने के बाद भी जलेगी, थोड़ी सी जलती है। फिर जैसे आप देख सकते हो मैं अभी इसको ऑफ कर दिया और मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ऑन करने में इस पर लाइट ब्लिंक हुई, यानी कि स्टार्ट है चलने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास इसका कनेक्टर नहीं है, वो नीचे रखा है लैपटॉप में लगा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसको आपको इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको इसमें पॉइंट ये है लेफ्ट क्लिक, देख सकते हो आप जो यहाँ पे बटन मिलेगा आपको लेफ्ट क्लिक का मिलेगा, और ये जो ये राइट क्लिक का मिलेगा आप देख सकते हो, और ये स्क्रॉल का बटन है और ये कॉर्नर का बटन है देख सकते हो आप। तो इसमें आपको 4 बटन मिल जाते हैं, 1 2 3 4, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये स्क्रॉल का है, ये सेंटर का है। तो यार ये तो हो गई कुछ अच्छी सी बात है इसकी, और 6 पॉइंट है मुझे सही लगा पकड़ने में। बाकी और कोई बैड पॉइंट ज़्यादा बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भाई बैड तो बैड ही है। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इस पर छोटा सा क्रैक आ रखा है, अब देख सकते हो यहाँ पे क्रैक्स आ रखा है। तो क्रैक का कारण ये कि अगर आप शुरू में अगर इसको खोलोगे तो यार थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज खींच दिया और जिसके कारण जो है टूट गया था। तो भाई इस पे आप थोड़ी ज़्यादा जान मत लगाना, हल्के से आप यूँ कर देना है, यूँ तो निकल जाता है, लेकिन जो मुझे लगा तो वहीं से यार कंपनी से ज़्यादा टाइट होता है शुरू में, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा बैड पॉइंट बन जाता है। तो यार अगर नेक्स्ट की बात करें तो यार नेक्स्ट पॉइंट ये है, बैड पॉइंट है ये बहुत, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक बैड लगा, क्योंकि ये जो सेल है आप देख रहे होंगे, तो इस सेल को जो अगर आप खींचोगे देख सकते हो आपके निकलने की जगह दिख रही है आपको कहीं नहीं ना, तो इसको इस सेल लगाने के लिए यार इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ज़्यादा जो यूं खींचना पड़ता है भाई, हो सकता है इसके कारण ये भी टूट सकता है। देख सकते हो मैं इसको निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत हार्ड है यहाँ पे सेल लगाना, बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो सेल लगाना इसमें सबसे जो बैड पॉइंट में लगा है जो काफ़ी बड़ा है, मतलब इनको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने चाहिए था। हालांकि ये यहाँ यूँ लग सकता था, यहाँ पे भी लग सकता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा गड़बड़ी कर दी है कि ये लगाना तो थोड़ा इजी है, लेकिन जो ये निकालना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, हार्ड कुछ नहीं, लेकिन इसको थोड़ा करना क्या है, इसका मैं इजी तरीका बताता हूँ। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको यूँ खींचोगे यार ऑब्वियसली टूट सकता है, तो आपको इसमें गुड को किस तरह से निकालना है, तो आपको सिंपली इसको हल्का से यूँ पुश करना है, अंदर एक साइड यूँ निकालना है और बाहर को खींच देना है, लगेगा तो आपको ये भी हार्ड, क्योंकि गलत जगह पर लगा है सेल। तो यार ये थोड़ा मुझे बैड लगा इसका यार, तो लगाना तो इजी है लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो यार काफ़ी अच्छा है वैसे तो माउस यार, मैं और बात नहीं करूँगा इसकी, फालतू ये गलत नहीं है वैसे तो, बस वही थोड़ा सेल का एक बार लगा दो बाद में दिक्कत नहीं होती है। तो यार इसके साथ एक आपको एक मिलेगा रिसीवर इसका, जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप इजीली लगा पाओगे, तो और ये स्टैंड मिलेगा जिस पर आप इजीली आप लगा सकते हो।
तो देख सकता है लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब कलर भी मुझे अच्छा लगा, इसको डिफरेंट कलर मिलेंगे। और मैं अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से, मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो शायद आप देख लो आपको जिसमें सही लगे अगर आपको, तो आप वहीं से मंगा सकते हो भाई। तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो इजिली बाई कर सकते हो, मतलब यानी खरीद सकते हो। तो भाई और आप ये मत सोच रहे कि इसमें मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो भाई क्योंकि बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं कि लिंक डाला है तो जरूर उसको कुछ फ़ायदा होगा, तो भाई आप अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हो कहीं से भी, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए इजी करने के लिए बता रहा हूँ। तो यार कुछ यही थी इसकी रिव्यू, तो यार उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कमेंट करें आते नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनानी, तो मैं 100% उस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। तो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि भाई ये कैसा है और कैसा नहीं है, आप लेना चाहते हो नहीं, और कैसा लगा आपको ये रिव्यू। तो यार तब तक वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, और वीडियो को लाइक करके जाना, और शेयर करके जाना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा।